शाहरुख की 250 करोड़ की पठान से रिवील हुआ सलमान खान का रोल। टाइगर 3 को लेकर मेकर्स ने की है खास प्लानिंग। सलमान खान और शाहरुख खान के फैंस उनकी फिल्म टाइगर 3 और पठान का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। हालांकि फैंस को अभी कुछ महीने और इंतजार करना पड़ेगा। ये दोनों ही फिल्में इस साल नहीं बल्कि 2023 में सिनेमाघरों में रिलीज होगी। इसी बीच आदित्य चोपड़ा के यशराज फिल्म के बैनर तले बनी इस फिल्म को लेकर कुछ इनसाइड जानकारी सामने आई है। ये तो सभी जानते हैं कि शाहरुख की फिल्म पठान में सलमान कैमियो करते रहे हैं, लेकिन सामने आ रही रिपोर्ट की माने तो इस फिल्म में सलमान शाहरुख की जान बचाते नजर आएंगे। इसके अलावा मेकर्स ने फिल्म टाइगर 3 को लेकर भी खास प्लानिंग की है। बता दें कि 250 करोड़ पठान जनवरी 2023 में रिलीज होगी। आपको बता दें कि यशराज फिल्म के बैनर तले बनी फिल्म में इस साल लगातार फ्लॉप हुई। बैनर की फ्लॉप फिल्मों का सिलसिला दिसंबर 2021 में फिल्म बंटी और बबली से शुरू हुआ। इसके बाद रणवीर सिंह की जयेश भाई जोरदार, अक्षय कुमार की सम्राट पृथ्वीराज और रणवीर कपूर की शमशेरा बॉक्स ऑफिस पर औंधे मुंह गिरी। शमशेरा की हालत तो इतनी खराब रही कि इसे रिलीज वाले दिन ही फ्लॉप घोषित कर दिया। फिलहाल बैनर को कोई फिल्म रिलीज नहीं हो रही है। पठान और टाइगर 3 2023 में आएगी। इन दोनों ही फिल्मों पर मेकर्स ने करोड़ों रुपए लगाए हैं। आपको बता दें कि पठान फिल्म शाहरुख खान एक अंडरकवर पुलिस ऑफिसर का रोल प्ले कर रहे हैं, वहीं क्लाइमैक्स में उनके साथ सलमान भी नजर आएंगे। वे शाहरुख की जान बचाते नजर आएंगे। फिल्म में दीपिका पादुकोण और जॉन अब्राहम भी है। आपको बता दें कि शाहरुख खान पिछले 4 साल से सिल्वर स्क्रीन पर नजर नहीं आए हैं। खबर है कि वे सलमान की टाइगर 3 में कैमियो करते नजर आएंगे। कहा जा रहा है कि अभी इस फिल्म का क्लाइमैक्स शूट होना बाकी है। शाहरुख अपनी दूसरी फिल्मों की शूटिंग में बिजी होने के कारण टाइगर 3 पर काम नहीं कर पा रहे हैं। रिपोर्ट की माने तो वे जल्दी सलमान के साथ शूटिंग में हिस्सा लेंगे। बता दें कि शाहरुख पठान के अलावा साउथ डायरेक्टर एटली की फिल्म जवान और राजकुमार हिरानी की फिल्म डंकी में भी काम कर रहे हैं। फिलहाल वे विदेश में डंकी की शूटिंग करने जल्द ही रवाना होंगे।